What's up gamers, welcome back to एक और सुहाना दिन Minecraft में। ओ ये क्या हो रहा है? Excuse me, what the hell, ये क्या हो रहा है? ओ what? ये मैं कहाँ पे आ गया? अरे ये कौन सा जगह है भाई? मैं ये कहाँ पे आ गया? वो ब्लॉक्स वाला गेम कहाँ गया? अरे ये कौन सा गेम है? मुझे वो वाला गेम खेलना है, उस पर ज्यादा व्यूज आते हैं। यार ये तो सुहाना दिन नहीं हुआ माइनक्राफ्ट में। और मैडम जी आप यहाँ पे क्यों सो रही हो? यार ये बिचारी यहाँ बीच रोड में क्यों सो रही है? मैडम क्या आपने रात को ज्यादा चढ़ा लिया था? अरे इसे क्या मैं घर छोड़ सकता हूँ? हेलो आपको घर छोड़, ये नहीं करना था। छोड़ो, हटाओ, बिचारी इतनी अच्छे से सो रही है, मैं इसका नींद खराब नहीं करना चाहता। ये देखो एक और यहाँ पे सो रही है। मैडम जी आप पहले तो बीच रास्ते पे, पहले तो आप कुछ कपड़े पहन के आओ, ये फैमिली फ्रेंडली चैनल है। अरे यार ये हो क्या रहा है? आज तो बिल्कुल भी सुहाना दिन नहीं है। ओ ओ भाई ये क्या है? यहाँ पे इतना सारा पानी कैसे आ गया? ये देखो ये तो पूरा यहाँ पे सुनामी आ गया। ओ हेलो सर, डूब जाओगे? सबको डूबना ही है, मतलब बोला था मैंने कि डूब जाओगे, लेकिन इन लोगों को तो मेरी सुननी ही नहीं है। ये देखो सभी लोग डूब रहे हैं। देखो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों को जिंदा बचाऊं तो 150 रुपया लगेगा। अरे क्या मैं इन लोगों को जिंदा भी बचा सकता हूँ? ये देख रहे हो गाइस, पूरा यहाँ पे सुनामी आ चुका है, पूरा घर ये सब सारा डूब गया है। ओ माय गॉड, ऐसा भयंकर सुनामी तो मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। इन सभी बिल्डिंगों को देखो, ये तो पूरा ही डूब गया पानी के अंदर। रुक जाओ एक बार पानी के नीचे जाके देखता हूँ क्या नजारा है। ओ भाई ये देखो पूरा घर ये सब डूब गया है। और उन मैडम जी को देखो, वो तो एकदम प्रोस्यूमर निकली भाई, क्या मस्त तैर रही है। और ये नीचे वाली को देखो, ये तो पूरा नीचे बैठ के मस्त मोबाइल चला रही है लगता है। यार अजीब पगलेट लोग है, यहाँ पे सुनामी आ रखा है और ये लोग बैठ के इंस्टाग्राम चला रहे हैं। डैम इट, ये देखो कितने लोग यहाँ पे डूब रहे हैं। और इन गाड़ियों को देखो, क्या मैं पानी के अंदर कोई गाड़ी चला सकता हूँ? ट्राई करता हूँ, बस ये फ्रैंकलिन का बच्चा मर ना जाए। और फ्रैंकलिन मरना नहीं, अरे गाड़ी के अंदर नहीं बैठ पा रहा हूँ। अरे छोड़ो ये आइडिया फालतू है, कहीं डूब वूब के मर गया ना तो हो जाएगा। और रुक जाओ मेरा घर कहाँ पे है? कहीं मेरा घर ये सब ही नहीं ना डूब गया? गाइस वो हो जाएगा तो फिर तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। यार एक ही घर था मेरे पास, वो भी डूब गया। और मेरा घर कौन सा है? ओ हाँ दिख गया, ये रहा। तो चलो गाइस फटाक से अपना घर चलते हैं और देखते हैं क्या वो भी डूब गया। भाई ये हो जाएगा तो सही में दिक्कत वाली बात हो जाएगी, मेरी आंटी भी वहाँ पे रहती है और उससे भी इम्पोर्टेंट चौप वहाँ पे रहता है। भाई चौप डूब गया ना तो फिर तो यलगार हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन मैं अपने घर जाऊँ कैसे? यहाँ पे तो पूरा सुनामी आ रखा है। वो देखो गाड़ियाँ डूब रही है, लोग डूब रहे हैं। और इन सर को देखो भाई, ये तो पूरा जिंदगी के मजे ले रहे हैं। ऐसे टाइप के लोग से दूर ही रहना चाहिए। और हाँ ये गाड़ी लेके चलता हूँ, लेकिन जाऊंगा कैसे? कोई बात नहीं, ट्राई करना पड़ेगा, कोई ना कोई तो रास्ता होगा। अपना दिमाग का दायरा बढ़ाओ मिस्टर इपिक और आराम से अपना गाड़ी चला भाई। ओ सॉरी, रुक जाओ, बहुत दिनों बाद ड्राइविंग कर रहा हूँ। हौली हौली आराम से, हाँ धीरे धीरे, ठोकना नहीं। हाँ तो इस साइड सुनामी नहीं आ रखा है, लेकिन उस साइड सुनामी है। अरे यार मैं अपने घर पहुँचूंगा कैसे? भाई हर जगह सुनामी है, एक बार पानी के अंदर जाके कार चलाने की कोशिश करता हूँ, ऑब्वियसली नहीं चला पाऊंगा। अच्छा आइडिया, हाँ बोट का यूज कर सकते हैं हम लोग। रुक जाओ गाइस, मुझे लेस्टर को फोन करके बोट मंगाने दो। लेस्टर, ओके, लेस्टर को कॉल लग रहा है। जल्दी भाई जल्दी फोन उठा, मुझे बोट चाहिए। A few minutes later. ये गधेड़ा फोन ही नहीं उठा रहा है। अरे यार ये लेस्टर तो फोन ही नहीं उठा रहा है। रुक जाओ इस बार माइकल को ट्राई करता हूँ। यार फ्रैंकलिन की तो कोई इज्जत ही नहीं है। ओ रुक जाओ वहाँ पे, वो देखो सीसा रखा। ओके, इससे हमारा काम बन जाएगा, इससे शायद हम लोग अपने घर जा पाएंगे। लेट्स गो फ्रैंकलिन भैया, चला जाए अपने घर, देखते हैं क्या मेरी आंटी जी सही सलामत है या फिर डूब के बोट टपक गई। अरे सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आई होप कि सब कुछ ऑल राइट हो। और तुम लोग इन बिल्डिंग्स को देखो, ये सब भी पूरे के पूरे डूब चुके हैं। भाई ये तो खतरनाक वाला तबाही मच रखा है GTA 5 में। अगर मेरा घर भी डूबा रहा ना, फिर तो मैं सही में भिखारी बन जाऊंगा। न रहने के लिए मेरे पास घर होगा, न चलाने के लिए मेरे पास गाड़ी होगा। देखते हैं क्या होने वाला है। और पता नहीं मैं किधर जा रहा हूँ, मेरा घर तो इत्थे है, इत्थे। हाँ इस साइड मेरा घर होना चाहिए। और देखने से तो लग रहा है पूरा का पूरा डूब रखा होगा। वो देख रहे हो ब्रिज, ये सब डूब रखा है। रुक जाओ उस ब्रिज पे भी जाके एक बार ट्राई करूंगा। ओके सो ये रहा मेरा घर, यही कहीं नीचे है। यार मेरा घर सही में पूरा डूब गया है, पता नहीं आंटी जी क्या कर रही होंगी। यही कहीं मेरा घर होना चाहिए। हेलो आंटी जी आप कहाँ हो? कहीं आप अभी भी तो पूजा नहीं कर रही हो? ये कोई पूजा करने का टाइम नहीं है। ये देखो ये रहा मेरा घर, हाँ यही है। ये देखो गाइस मेरा घर भी पूरा डूब गया, मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। गणपति बप्पा मोरिया।
यार अब मैं कहाँ पे रहूंगा? ओ रुक जाओ, यहाँ पे फर्स्ट एड किट है, ले लेता हूँ। ले लो भाई फ्रैंकलिन, अपना ही घर समझो। अरे ये तो उठा ही नहीं रहा है, छोड़ो हटाओ। देखो मैं बर्बाद तो हो ही चुका हूँ, तो अपना गम भुलाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। मुझे पीने का शौक नहीं। अरे मन नहीं भरा, एक बार फिर से। तो मेरा घर वर तो सही में डूब गया, देखता हूँ चॉप कहाँ पे भाग गया है। ओए हेलो चॉप, क्या तुम यहाँ पे तैर रहे हो? हेलो चॉप, क्या तुम यहाँ पे अंदर सो रहे हो? अरे यहाँ पे चॉप भी नहीं है। चॉप तो गया गाइस, चॉप तो भाग गया, चॉप स्मार्ट है। और आंटी जी भी भाग गई है हमारी। तो चलो हम लोग भी यहाँ से निकलते हैं और वहाँ पे ब्रिज पे चलते हैं, एक और वहाँ से देखते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। अरे मुझे अपना सीसा ले लेना चाहिए था, वो मैंने वहीं पे छोड़ दिया। मैं भी ना पगलेट हूँ, अब मुझे वहाँ पे तैर तैर के जाना पड़ेगा। और इन सभी को यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लोग पूरा पार्टी कर रहे हैं। अरे भैया यहाँ पे सुनामी आ गया और आप लोग यहाँ पे पार्टी कर रहे हो, निकल तेरी तो यहाँ से, यहाँ पे पार्टी करेगा। ओके तो घंटों तैरने के बाद फाइनली मैं इस ब्रिज के पास पहुंच गया। ये देखो ये ब्रिज भी पूरा डूबा हुआ है। रुक जाओ एक और पानी के अंदर से दिखाता हूँ। ये देखो पूरा ब्रिज डूबा हुआ है, फिर भी ये लोग यहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं। भाई कुछ भी हो रहा है इस गेम में। ओ भाई ये देखो यहाँ पे सार्की सब भी तैर रही है। अच्छा रुक जाओ ये मछली है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आंखों को धोखा हो जाता है कभी। लेकिन रुक जाओ ये देखो ये ब्रिज पूरा नहीं डूबा है, ये बस आधा ही डूबा हुआ है। चलो ये एक अच्छी बात हुई। ओ हेलो ये कार बड़ा मस्त लग रहा है, रुक जाओ लेने दो। हेलो सर आगे रास्ता खत्म हो गया है, अब आपको तैर के जाना पड़ेगा। अरे यार ये तो बुरा मान गया, मैं तो इसकी हेल्प कर रहा था, आगे जाके ये डूब जाता। लेकिन इस बंदे को तो समझ में नहीं आता, इसे अब ऐसा ही समझाना पड़ेगा। अरे यार पुलिस पीछे पड़ गई, मतलब सुनामी है फिर भी पुलिस को अपनी पुलिस गिरी करनी है। मैं तो ये गाड़ी लेके यहाँ से भाग रहा हूँ चुपचाप। वेट अ सेक, यहाँ पे हेलीकॉप्टर है। भाई बाहर में जाइए गाड़ी, मैं तो हेलीकॉप्टर लेके जा रहा हूँ। वैसे भी मैं ये गाड़ी कहाँ तक ही ले जा पाऊंगा। ओ भाई तो ये मस्त हुआ, अब हम लोग हेलीकॉप्टर चला सकते हैं। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मुझे हेलीकॉप्टर चलाना नहीं आता। भाई मैं टपक गया, मैं टपक गया, भाई मैं टपक गया। अरे मैं हेलीकॉप्टर कैसे चलाऊं? हेलो a little longer than a few minutes later. ओके ओके तो फाइनली मुझे हेलीकॉप्टर चलाना आ गया है, तो अब मैं तुम लोग को अच्छे से लॉस सैंटोस का नजारा दिखा पाऊंगा। ये देखो हर एक बिल्डिंग डूब रखा है यहाँ पे, देख रहे हो शहर का क्या बुरा हाल हो रखा है। गाइस 1 लाख इज इक्वल टू 1 प्रेयर फॉर लॉस संतोष। हर एक बिल्डिंग यहाँ पे डूब रखा है। रुक जाओ एक बार एयरपोर्ट चेक करता हूँ। ये देखो यहाँ पे है एयरपोर्ट, एंड पक्का ये भी डूबा हुआ होगा। तो बताओ चला जाए क्या एयरपोर्ट पे? एंड मैंने सही सोचा था, एयरपोर्ट भी पूरा डूब रखा है, तो नीचे जाने का तो फायदा नहीं, और ऊपर से मैंने तुम लोग को सब कुछ दिखाई दिया है। तो चलो वापस कोई बोट ढूंढ के एक्सप्लोर करते हैं। अरे भाई मैं नीचे तो आ गया, लेकिन अभी भी पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। ये देखो पगलेट लोग मुझे पानी में गोली मार रहे हैं। भाई यहाँ पे सुनामी आ रखा है, फिर भी इन लोगों को मुझे ही पकड़ना है। वो देखो पे बोट है, इसे पकड़ के फटाक से यहाँ से कटते हैं। अरे भाई ये लोग तो गजब पागल है, मेरे बोट में ही अपना बोट घुसा दिया। अरे यार तुम लोग अजीब हो, यहाँ पे सुनामी आ रखा है, लोगों को बचाओ ना। पता नहीं मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा कि मैंने कौन सा ऐसा पाप कर दिया जिसके कारण ये लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। देखो देखो यहाँ पे बिल्डिंग डूब रखा है, मेज बैंक ये सब सारा डूब रखा है, ये सब कलरफुल पोस्टर भी डूब रखे हैं, लेकिन इन लोगों को मेरे ही पीछे पड़ना है। मैं ऐसा करता हूँ मैं चुपचाप पानी के अंदर घुस जाता हूँ, फिर तो ये लोग घंटा मुझे ढूंढ पाएंगे। हाँ तो चुपचाप मैं यहीं पे छुप जाता हूँ। ओके गाइज मेरा प्लान काम कर रहा है, मेरे बिग ब्रेन के सामने ये पुलिस वाले फेल हो रहे हैं, पानी में मुझे कैसे ढूंढ पाएंगे। हाँ एंड फाइनली पुलिस ने मेरा पीछा छोड़ दिया, देखा तुम्हारे भाई के सामने पुलिस वाले भी फेल है। हाँ तो गाइज लॉस संतोष तो गया, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, फ्रैंकलिन हूँ भगवान नहीं। तो देखते हैं ये सुनामी कब तक खत्म होता है, तब तक मैं ऐसा करता हूँ। अरे नहीं ये तो आंटी जी हैं। हाँ ये मैडम जी चलती क्या साथ में स्विमिंग करने है?